दोस्तों, जब भी साल 2016 में कलर्स टीवी पर प्रसारित हुए शो कसम तेरे प्यार की बात होती है तो हमारे सामने सुंदर सुशील बहू तनुजा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कृतिका सेंगर का नाम सामने आता है, जिन्होंने इस शो में अपनी हर खूबी से दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के बादशाह मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें कोई दादा कहता है तो कोई मिथुन दा, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में फिल्में ही इतनी की हैं कि लोग इनकी फिल्मों को देखने के लिए काफी दीवाना हुआ करते थे। इसलिए तो जहां बॉलीवुड में इनका डंका बजता था तो वहीं आज टीवी इंडस्ट्री में कृतिका सेंगर छाई हुई हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा कृतिका सेंगर एक दूसरे से बहुत गहरा कनेक्शन रखते हैं? जी हाँ, बहुत गहरा, जिनके इस कनेक्शन के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिरकार ऐसा क्या है इन दोनों के बीच कनेक्शन, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मगर उससे पहले आप इन दोनों कलाकारों के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री में अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने आज तक जितने भी सीरियल्स किए उन सीरियल्स में अपने हर किरदारों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया, चाहे बात हो कसम तेरे प्यार की सीरियल में तनुजा के किरदार की या फिर बात हो पुनर्विवाह सीरियल में आरती के किरदार की। इनके हर किरदार में वो खूबी है जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वहीं दूसरी तरफ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में क्या ही कहे, इन्होंने तो बॉलीवुड के हर एक अभिनेताओं को पीछे छोड़ते हुए अव्वल नंबर का दर्जा प्राप्त किया। पर इस बारे में आपको शायद ही मालूम होगा कि अलग अलग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों कलाकारों के बीच कोई गहरा कनेक्शन भी हो सकता है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें इनसे कनेक्ट करती है? तो बस आपकी बेताबी को और ना बढ़ाते हुए बता देते हैं कि अभिनेत्री कृतिका सेंगर मिथुन चक्रवर्ती के साथ इसलिए कनेक्शन रखती है क्योंकि इनके पति निकिता धीर मिथुन चक्रवर्ती को अपना गॉडफादर मानते हैं। जी हाँ, आपको शायद ही मालूम होगा कि अभिनेता निकिता धीर यानी कि कृतिका सेंगर के पति अगर आज बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं तो वो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की ही देन है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अभिनेता निकिता धीर के पिता खुद ही एक्टर हैं, तो भला मिथुन चक्रवर्ती कैसे उनकी मदद करेंगे? तो आपको बता दे कि पंकज धीर यानी कि निकिता धीर के पापा पंकज धीर ने मिथुन चक्रवर्ती से अपने बेटे को बॉलीवुड में डेब्यू कराने की बात कही थी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निकिता धीर के पापा पंकज धीर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे कि वो अक्सर फिल्मों में एक विलन के किरदार में स्पॉट किए जाते थे, जो कि उन्हें आज तक कोई भी आइकॉनिक किरदार नहीं मिला। इसलिए इस घड़ी में मिथुन चक्रवर्ती ने उनकी काफी मदद की थी, जहाँ उन्होंने एक तरफ निकिता धीर का करियर बनाया तो वही अपनी दोस्ती को भी पक्का साबित किया। इसलिए तो कृतिका सेंगर उन्हें अपने पिता समान मानती है और हर एक बड़े से बड़े डिसीजन को लेने में कृतिका सेंगर के साथ साथ उनके पति निकिता धीर भी मिथुन चक्रवर्ती से सलाह मशवरा करते हैं, जो कि इनके रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाती है। तो दोस्तों, आप कृतिका सेंगर और मिथुन चक्रवर्ती के बीच के प्यारे से बॉन्ड के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।